एक होता है पैरामेट्रिक और एक होता है नॉन पैरामेट्रिक, है ना। हमने क्या किया, जो भी डेटा लिया, डेटा को अरेंज किया, है ना, हमारे पास डेटा ग्रुप का ये आ गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का, ये कंट्रोल ग्रुप का, ये डेटा आ गया, ठीक है। ये प्री डेटा है, ये पोस्ट डेटा है, हमारे पास दोनों के मीन आ गए, सब कुछ आ गया, ये डेटा आ गया, ये इसके पास स्कोर है। अब इस डेटा को टेस्ट कैसे किया जाए, ठीक है, टेस्ट कैसे किया जाए। अब आपके पास दो टाइप के डेटा होते हैं, पैरामेट्रिक डेटा और नॉन पैरामेट्रिक डेटा। अब कौन सा डेटा किस टाइम पे इस्तेमाल किया जाए वो हमें देखना होता है, ठीक है। तो पैरामेट्रिक डेटा क्या होता है, जो होता है नॉर्मली क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा, और ये होता है नॉर्मली क्वालिटेटिव, वी कैन से इट इज क्वालिटेटिव डेटा। और भी चीजें जो फुलफिल है पैरामेट्रिक में आता है क्वालिटेटिव, जैसे इसमें क्या हो गया, नंबर्स हो गए, हाइट वेट, इसमें क्या हो गया, नॉमिनल डेटा, आपने स्केल पढ़ा है, नॉमिनल डेटा हो गया, ठीक है। ऑर्डिनल डेटा इसके अंदर आ सकता है, जस्ट लाइक कलर्स, मेल फीमेल, ठीक है, मोटिवेशन लेवल, तो ये चीजें क्या हो सकती है इसमें, क्वालिटेटिव डेटा में आ सकता है। और चीजें क्या है जो ये फॉलो करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अभी मैं आ रहा हूं वापस उस पर, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं फॉलो करेगा तो वो किसके अंडर में आ जाएगा, नॉन पैरामेट्रिक में, नॉट फॉलोस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब देखो ये टाइप्स ऑफ डेटा। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, अगर आपका ये बन रहा है नॉर्मल कर्व डेटा, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, और अगर ये नॉर्मल नहीं बन रहा है तो क्या है, ये नॉट नॉर्मल है, ये क्या है, स्क्यूड है, ठीक है, इट इज नॉट नॉर्मल। अब नॉर्मल कब बनता है, जैसे सपोज आपने 1000 बच्चे लिए, अब 1000 बच्चों का आपने क्या लिया, हाइट लिया, ठीक है, 1000 बच्चों का हाइट लिया आपने, तो कुछ बच्चों की हाइट छोटी रह सकती है, कुछ बच्चों की बड़ी, ज्यादातर बच्चों की हाइट क्या रहेगी, यहां पे रहेगी एवरेज में, और कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, ये पॉजिटिव साइड है, ये इंक्रीजिंग साइड है, ये डिक्रीजिंग साइड है, तो कुछ कुछ बच्चों की हाइट होगी जो बहुत लंबी होगी, वो इधर की साइड आ जाएंगे, तो मतलब मैक्सिमम क्या लाइज कर रहा है, यहां पे लाइज कर रहा है, एवरेज, एवरेज के साइड में लाइज कर रहा है, और कुछ रेयरली यहां पे लाइज कर रहा है, कुछ रेयरली यहां पे लाइज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, राइट। पर अब अगर ऐसा हुआ, कंडीशन ऐसी आ गई, यहां पे जो ये नेगेटिव साइड है, ये पॉजिटिव साइड है, ओके, अब यहां पे क्या हुआ, अपना आपका डेटा है सिर्फ 10 बच्चों का डेटा है, तो उनकी हाइट ली आपने, तो जरूरी नहीं है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करे, वो कैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है स्क्यूड, ठीक है। बहुत सारे बच्चों, छोटे छोटे बच्चे आ गए 10 में, समझ लो ये 8 बच्चे तो ऐसे आ गए जो उनकी हाइट बहुत छोटी है, तो ऐसे आ जाएंगे, एक बच्चा ऐसा रहेगा जिसकी हाइट बहुत बड़ी है, तो ये क्या है, नॉट नॉर्मल। तो नॉर्मल कब आता है, जब सैंपल साइज आपका 30 से ज्यादा हो, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा, ऐसा नॉर्मल कर्व बना है, ठीक है। इफ सैंपल साइज इज, इफ सैंपल साइज इज मोर देन 30, तो ये क्या फॉर्म करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉर्म करेगा। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर मैंने एक अलग से बहुत ही डिटेल में 2 वीडियोस बनाई है 1 आवर की, आपको मैं ग्रुप में भेजूंगा, आपने उसमें देख लेना, ठीक है। आज मैं सारी वीडियोस भेज दूंगा, सैटरडे और संडे आपने सब कुछ देख लेना चाहिए, ठीक है, आपके पास 3 दिन रहेंगे, आप देख सकते हो उसमें आराम से। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो अगर सैंपल साइज आपका 30 से ज्यादा रहा, मतलब 30 से ज्यादा पर्सन रहे, तो वो कैसा लाइक करेगा उसका स्कोर, मतलब कुछ बच्चे एवरेज, कुछ बच्चों के मार्क्स कम आएंगे, कुछ बच्चों के मार्क्स अच्छे आएंगे, कुछ बच्चों के मार्क्स हाईएस्ट पे आएंगे। सपोज ये मार्क्स है 0 से लेके 100 तक, तो 50 से 60 बच्चे ऐसे जो होते हैं ना, जिनके 50 से 60 बच्चे, मतलब मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कितने आते हैं, एवरेज आते हैं, कुछ बच्चे जो टॉप में आते हैं और कुछ बच्चे जो लोवेस्ट नंबर पे आते हैं, पर मैक्सिमम का लाया करते हैं यहां पे। तो अगर सैंपल साइज 30 रहता है, 30 से ज्यादा, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, और 30 से कम रहता है तो नॉट नॉर्मल। तो उस केस में अगर हम क्या करेंगे, अगर 30 से ज्यादा है सैंपल, तो पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, और 30 से कम है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को अगर नहीं फॉलो करता है,
तो उस टाइम पे हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है थोड़ा सा? हेलो, कब पैरामेट्रिक इस्तेमाल करेंगे? कब कब पैरामेट्रिक इस्तेमाल करेंगे? जब देखो क्वालिटेटिव डेटा हो, सॉरी क्वांटिटेटिव डेटा है, तब पैरामेट्रिक इस्तेमाल करेंगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फुलफिल करता हो तब पैरामेट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ये टाइप ऑफ टेस्ट है, मतलब जैसे देखो पैरामेट्रिक में क्या क्या आता है, टी टेस्ट आता है ना, जेड टेस्ट आता है, अनोवा आता है, मनकोवा आता है, ये सारे क्या है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट अभी आपको बताऊंगा मैं, है ना। तो ये समझ में आया आपको कंडीशन, पैरामेट्रिक टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होता है। ये कंडीशन अगर फुलफिल करता है, क्या कंडीशन है कि क्वांटिटेटिव डेटा हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनना चाहिए, ये दूसरी कंडीशन है। और भी ये देखो, ये रहा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में, है ना। तो यहां पे क्या है, कोरिलेशन देखें तो यहां पे पियर्सन कोरिलेशन आता है, नॉन पियर्सन, इधर स्पीयरमैन कोरिलेशन। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और ये नॉर्मल नहीं करता है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटरी। ठीक है, और क्या है, इसमें इंटरवल डेटा होता है और रेशियो डेटा होता है, इसमें होता है नॉन नॉमिनल डेटा। ठीक है, एग्जांपल देखो पैरामेट्रिक टेस्ट के, जेड टेस्ट, टी टेस्ट एक्सेट्रा। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के, पुजल वेलिस टेस्ट, मैन विटने टेस्ट, इस आर द एग्जांपल ऑफ नॉन पैरामेट्रिक डेटा। देखो ये रहा इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, पेयर टी टेस्ट, वन वे अनोवा, रिपीटेड मेजर अनोवा, पियर्सन कोरिलेशन। ये क्या है, सारे पैरामेट्रिक टेस्ट है। ये कब इस्तेमाल होते हैं, जब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, फॉलो करता है, जो स्कोर है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसे होता है डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और जब डेटा हमारा क्वांटिटेटिव डेटा हो, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स में, ठीक है। और जैसे वी कैन से इंटरवल और रेशियो स्केल हो, स्केल आपने पढ़ा था कल, उस टाइप का डेटा। यहां पे कब होगा ये वाले टेस्ट कब इस्तेमाल करेंगे, ये वाले टेस्ट कब इस्तेमाल करेंगे हम, जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन नॉट नॉर्मल हो, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं फॉलो करता है। सेकेंड, जब यहां पे नॉमिनल स्केल हो, नॉमिनल स्केल हमने कल देखा था, नॉमिनल या फिर ऑर्डिनल, उस टाइप का डेटा हो आपके पास, उस टाइप का स्कोर हो, जैसे कलर हो गया, ठीक है, मेल फीमेल, कितने नंबर ऑफ मेल फीमेल्स, ठीक है, और आपको पता चलेगा रैंक हो गया, रैंक का में स्कोर है, तो उस टाइम पे हम ये वाले टेस्ट इस्तेमाल करेंगे, ये वाले टेस्ट। तो ये हमारे टेस्ट है। क्लियर है पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट? हेलो, आपको देखो ये, अब एक एक करके हम ये टेस्ट पढ़ते जाएंगे, टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट, अनोवा, रिपीटेड मेजर अनोवा, पियर्सन, ये सारी चीजें हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पर आपको ये एक ब्लूप्रिंट क्लियर होना चाहिए माइंड में कि ये होता क्या है, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक, ठीक है। तो इसकी डिटेल्ड एकदम डिटेल पूरी डिटेल वीडियो है, ठीक है, पीपीटी बनी हुई है पैरामेट्रिक टेस्ट की। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट तो पढ़ाया नहीं था मैंने, पैरामेट्रिक टेस्ट पढ़ाया हुआ है, ओके। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई विल जस्ट टेक क्लासेस, मैं एग्जाम के हिसाब से बताऊंगा, पर आपको और डिटेल में जाना हो तो आप वीडियो देख सकते हो, वो है ना, इसका न्यूमेरिकल सॉल्यूशन भी उसमें सब कुछ है, मतलब उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपको इससे बाहर आएगा, ठीक है। ये जो पैरामेट्रिक टेस्ट जो मैंने पढ़ाया था उसमें आपकी यूजीसी नेट के हिसाब से ऑलमोस्ट सब कुछ कवर है, राइट। बट अगर आपने वीडियो देख लिया तो उसमें से आई बेट कि इसमें से अगर कुछ भी क्वेश्चन आता है तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे इजीली। अब मेन चीज, क्वेश्चन क्या आते हैं इसमें, नॉर्मली आपने देखा होगा 220 के पेपर में जस्ट नॉर्मल से सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, बात है समझने की, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आपने देखा होगा पैसेज वाला, देखा होगा फिफ्थ वाला, वो पैसेज बहुत आसान है, उसमें 5 नंबर आपके फिक्स है, अगर आपने हाइपोथेसिस टेस्टिंग समझ ली और ये टेस्ट समझ लिए कि कब क्या इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। हाइपोथेसिस रिजेक्ट किस केस में होती है,
हाइपोथेसिस एक्सेप्ट किस केस में होती है, बस इतना सा और कुछ कुछ चीजें आपने समझ ली तो सारे अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है? तो अभी हम देखेंगे उस टेस्ट जाने से पहले थोड़ा सा बेसिक वो मीन मीडियन मोड का देख लेते प्रॉपर्टीज। न्यूमेरिकल तो आएगा नहीं उसके बारे में आपको मीन मीडियन मोड का, पर क्या आ सकता है, प्रॉपर्टीज आ सकती है उसकी, है ना। देखो सबसे पहले है मीन, सर फार्मूला भी सर। हाँ फार्मूला देखो, ये मीन है, मीन मतलब ये डेटा है सपोज, है ना, ये सेक्शन ए है, ये सेक्शन बी है। आपको क्या है, आपको पता करना है कि कौन सा सेक्शन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप एक एक बच्चे को तो कंपेयर करोगे नहीं, तो आप देखोगे कि इसका एक रिप्रेजेंटेटिव स्कोर निकालोगे, रिप्रेजेंटेटिव। तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, सिमेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमारा जो भी स्कोर है, सेट ऑफ स्कोर है ना, जो भी हमारे स्कोर है, राइट, वट एवर द स्कोर वी हैव, उसका हम क्या देखते हैं, एक सिंगल वैल्यू होती है, एक सिंगल प्रेजेंटेशन होता है। अरे कौन सी पेन आ रही है, हाँ, जो आपका जो भी स्कोर है, सेट ऑफ स्कोर, उसका एक जो सिंगल रिप्रेजेंटेटिव हो वो क्या है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना। हम इसका बोल सकते हैं कि इसकी वैल्यू है, एवरेज वैल्यू है 56, ये आपके क्लास का वेट है टोटल, और एवरेज वेट क्या है 56, तो ये क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, क्या होता है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, एक सिंगल स्कोर विच रिप्रेजेंट द होल स्कोर, सिंगल स्कोर विच रिप्रेजेंट द होल स्कोर। तो यहां पे इसका एवरेज है, ये मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पूरी क्लास का एवरेज वेट है 56। अब इसके थ्री टाइप्स है, तीन तरीके निकालने के, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के तीन तरीके, एक क्या है मीन, मीडियन एंड मोड, दीज आर द थ्री वेज। ठीक है, दीज आर द थ्री वेज। अब देखो सबसे पहले देखते हैं मीन, है ना। अब मीन क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज देखो, न्यूमेरिकल वगैरह तो बहुत इजी और आएगा भी तो इजी वाला आएगा, कोई डिफिकल्ट लेंदी नहीं आएगा, ग्रुप डेटा दे देंगे आपको, दे देंगे आपको, मेन चीजें क्या पढ़नी, इसमें प्रॉपर्टीज पढ़नी है। अब आपकी इसकी कैलकुलेशन देख के ही बता सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इसका कैलकुलेशन देख के ही बता सकते हो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है। देखो आपने यहाँ पे सेक्शन ए का निकाल लिया टोटल, इसको कैसे निकालते हैं, सम ऑफ स्कोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ स्कोर, तो टोटल कितना है आपका, इसका टोटल आया 46, इसका टोटल आया 49, टोटल कितने हैं 7 है, तो 46 डिवाइड बाय 7, ठीक है, इधर आ गया 49 डिवाइड बाय 7, तो ये निकल गया इसका मीन 6.57, इसका निकल गया मीन 7। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका एवरेज परफॉर्मेंस इस क्लास का बेटर है। अब इसकी प्रॉपर्टीज बताइए मुझे, यस एनीवन, सर रिप्रेजेंट द एवरेज ऑफ क्लास, हाँ एवरेज ऑफ क्लास, और देखो और क्या होगा, सबसे पहले कि जो भी एवरेज निकालते हैं हम उसमें पूरा डेटा सेट का कंट्रीब्यूशन होता है, होल डेटा सेट इन्वॉल्व फॉर फाइंडिंग द मीन। इन केस ऑफ मीडियन हम क्या देखते हैं, सिर्फ जो मिडिल वाला है उसको ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे 5 है तो 5 आ जाएगा ये, बाकी जो इनको इन्वॉल्व किया क्या, यहाँ पे हमने इनको इन्वॉल्व किया क्या, नहीं किया, जो मिडिल वैल्यू है उसको ले लिया बस सिंगल, तो ये आ गया अपना मीडियन। बट मीन में क्या है, पूरा डेटा इन्वॉल्व होता है, प्लस करके हम जितना भी रहते हैं तो पूरा डेटा इन्वॉल्व होता है, तो क्या होता है, इट इन्वॉल्व
होल डेटा सेट टू फाइंड आउट द मीन. फर्स्ट लिख लो, इट इन्वॉल्व्स, लिखो लिखो, होल डेटा सेट, ठीक है, टू फाइंड आउट द एवरेज और वी कैन से मीन. इसको अपनी लैंग्वेज में कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है. होल डेटा सेट कंट्रीब्यूट्स टू फाइंड आउट द मीन, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो. मेरा कहने का मतलब बस यही है, ठीक है. ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है. सेकेंड क्या है, सम ऑफ डेविएशन ऑफ होल ऑल द स्कोर इन अ सेट ऑफ फॉर्म सेट फ्रॉम देयर मीन इज जीरो. सम ऑफ ऑल द डेविएशन ऑफ द मेन मीन स्कोर इन द सेट फ्रॉम इज जीरो. अब इसका मतलब क्या है, मतलब जो भी हमारा मीन निकलेगा, सपोज हमारा मीन निकला 5, इन सब, अब ये 5 को मैं हर किसी डेटा से माइनस करूं और इसका प्लस करूंगा तो क्या आएगा, 0. क्लियर है, मतलब इसका जो डेविएशन है, सम ऑफ डेविएशन आएगा, जो आपका जो मीन है उससे डेविएशन आएगा, उसका सम क्या आएगा, 0, ठीक है. सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द मीन स्कोर इन अ सेट ऑफ देयर देयर मीन इज 0. तो हम जो डेविएशन देखते हैं, ये आपका मीन निकला 7, ठीक है, तो आप में से आप सम करोगे, डेविएशन करोगे, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन में आप कैलकुलेट करोगे, तो आपको उसको रियल में डेविएशन का मतलब समझ में आएगा कि जब हम जो भी निकालते हैं उसका हम सबसे माइनस करते हैं, सबसे सबट्रैक्ट करते हैं हर स्कोर से, ठीक है. आपका सबट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, सबट्रैक्ट करने के बाद में इधर जो स्कोर आता है, ठीक है, वो मीन से 0 डेविएट करेगा, वो मीन से इक्वल होगा और उसका डेविएशन क्या होगा, 0 होगा, राइट. सेकेंड थिंग, थर्ड थिंग, नो इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स, इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स, ठीक है, या वी कैन से देयर विल बी इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स और वी कैन से एक्सट्रीम वैल्यूज. ये लिख लो, यहां लिख लो, देयर विल बी इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज, है ना. अब इसका मतलब क्या है कि जैसे आपने स्कोर है, अब यहां आपका स्कोर है, अब मैंने इसको कर दिया यहां पे 80, तो इसका एवरेज में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, यहां पे चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा, यहां पे मैंने कर दिया 80, तो आएगा ना चेंजेस, 8 की जगह 80 हो गया. तो 80 क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू है, आउटलायर है, मतलब ये सबका स्कोर है अराउंड 10 वैल्यूज है, इस सबका स्कोर दिख रहा है सिमिलर, और ये क्या है, एक्सट्रीम है, सबसे अलग है, आउटलायर है, सबसे अलग है, तो इसका इफेक्ट होगा मीन के ऊपर. जैसे यहां पे 1, 2, 3, 4 अभी आप एवरेज निकालो, ठीक है, तो इनका क्या आ सकता है, जो भी एवरेज आएगा, सपोज 1, 2, 2 या 3.3 ऐसा कुछ भी आ सकता है, 2.5. अब यहां पे मैंने डाल दिया 40, तो ये क्या है, इसका नेचर जो है उससे एकदम ज्यादा ही अलग है, ये एक्सट्रीम वैल्यू है ये, तो इसका इफेक्ट होगा मीन के ऊपर. इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स विल बी देयर, देयर विल बी इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन द मीन वैल्यू. बट मीडियन में क्या होता है, देखो मीडियन में क्या होता है, यहां पे आपका 1, 2, 3, 4 यहां पे 5 है, तो अभी मीडियन क्या है इसका, मीडियन क्या है इसका, ये स्कोर का मीडियन क्या है, यस, ये स्कोर का मीडियन क्या है, यस एनीवन, 3. हाँ, अब क्या होगा, यहां पे मैंने डाल दिया 500, अब मीडियन क्या होगा, नहीं नहीं अभी भी 3 होगा ना, नहीं 3 होगा, सॉरी. हाँ, तो ये इसका कुछ इफेक्ट हुआ है क्या, नो इफेक्ट, ठीक है, नो इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स. अब यहाँ पे 5 है, 5, अब इसका एवरेज क्या निकलेगा बताओ,
इसका मीन क्या निकलेगा? 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 15, 15 डिवाइड बाय 5 3, 3 निकला ना इसका मीन भी, है ना। अब मैंने यहां पे क्या डाल दिया 500, अब इसका मीन क्या हो जाएगा 3 ही रहेगा क्या? इसका मीन क्या हो जाएगा इसका? सर हो जाएगा ना अराउंड 200 500 ऐसा कुछ भी, व्हाटएवर, बढ़िया है ना। तो इसका मतलब कि यहां पे मीन के केस में आउटलायर्स का इफेक्ट हो रहा है। तो ये रहा इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स एक्सट्रीम वैल्यूज ऑन मीन वैल्यू, ठीक है, इस केस में होता है। बाकी मीन मोड और मोड में और मीडियन में आउटलायर्स का इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इट इज अ वेटेड एवरेज बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नॉन एज वेटेड एवरेज। तो ये थी प्रॉपर्टीज मीन की। सर एक चीज पूछनी है, जैसे मीडियन में आपने लिखा था 1 2 3 4 5, हाँ, तो तब हमारा जो मीडियन था वो 3 था, हाँ, तो जब हमारा होगा 1 2 3 4, हाँ, तो उस टाइम हमारा मीडियन होगा 2 + 3 / 2, हाँ, राइट। तो इफेक्ट तो पड़ा ना आउटलायर्स का भी, तो इफेक्ट पड़ा, जब हम 5 लिखते हैं तो तब 3 हो जाएगा, और जब 4 तक ही रहने देंगे तो तब 2 + 3 नहीं नहीं होगा। हमने 5 हटाया थोड़ी ना, अरे मैंने तो वैल्यू में चेंज किया ना, क्या हुआ देखो यहाँ पे क्या किया मैंने, क्या लिखा था 1 2 3 4 5, इसमें क्या होगा मीन, मीडियन क्या होगा इसमें 3 3, अब मैंने डाल दिया 1 2 3 4 500, अब क्या होगा मीडियन, अभी मीडियन क्या होगा, अभी भी 3 होगा, हाँ। तो यहां से यहां आने पे कोई चेंजेस आया क्या? ओके, मतलब आउटलायर्स का कोई इफेक्ट हुआ क्या इसमें? नो सर, नहीं हुआ ना, ये एक्सट्रीम वैल्यू है आउटलायर्स है, इसका कोई इफेक्ट नहीं। आप यहाँ पे 5000 डाल दो, 5 लाख डाल दो, 5 करोड़ डाल दो, कितना भी डाल दो, इसकी वैल्यू 3 की 3 ही रहेगी मीडियन की। बट यहाँ के मीन में चेंजेस आएगा ना, मीन में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, मोड में चेंजेस भी नहीं आएगा, मोड में भी नहीं चेंजेस आएगा, ठीक है। इसका नोट कर लिया ना, ये सब स्क्रीनशॉट ले लो इसको, मोड में चेंजेस नहीं आएगा। सपोज यहाँ पे मोड है 1 2 2 3 4 5, अभी मोड क्या है इसका 1 2 2 3 4 5 5 5 5, बता मोड क्या होगा इसका, मोड क्या होगा 2, इसका मोड क्या होगा 2। तो क्या यहाँ पे ये आउटलायर्स है जो एक्सट्रीम वैल्यू है, मतलब ये अपार्ट फ्रॉम दिस होल स्कोर इट इज वेरी वेरी लार्जर, तो इसका कुछ इफेक्ट हुआ क्या मोड पे? नहीं हुआ, बट मीन में होता है बस, ठीक है। तो ये मतलब था उसका, ठीक है। तो ये देखो मीन, एक और एग्जांपल ये रहा सिंपल सा, ये रहा मीन, ठीक है। मीडियन सबसे पहले तो असेंडिंग से अरेंज करते हैं इसको, एम प्लस वन बाय टू स्कोर, क्या आ जाएगा फिफ्थ स्कोर, ये पोजीशन है। ये क्या था मीडियन, क्या था ये देखो, फिफ्थ स्कोर एन प्लस वन बाय टू क्या आया, टोटल स्कोर कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस 1 बाय 2 कितना है फिफ्थ स्कोर, तो फिफ्थ स्कोर क्या है 1 2 3 4 5, क्या है 7, 7 क्या होगा मीडियन, इट इज अ सीजी, इट इज सीजी ऑफ स्कोर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ स्कोर, ठीक है। इट इज ऑल्सो नॉन एज अ पोजिशनल एवरेज, लिख लो, इट इज ऑल्सो नॉन एज पोजिशनल एवरेज, इसको क्या बोलते हैं पोजिशनल एवरेज भी बोलते हैं।
देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स और एक्सट्रीम वैल्यूज इन केस ऑफ ट्रंकेटेड डेटा, ट्रंकेटेड मीडियम विल बी, मीडियम विल बी बेस्ट मेजर्स। ट्रंकेटेड क्या होता है, मतलब ये मैंने ऐसे डाल दिया 2, 3, 4, 5 ठीक है, इसका स्टार्टिंग मुझे पता नहीं है, है ना, स्टार्टिंग पता नहीं, एंड पता नहीं है, पर ये मुझे मिडिल का मिल गया, मिडिल का ठीक है, मिडिल का मिल गया यहाँ पे, तो मैंने क्या ले लिया, इसको ले लिया, सिलेक्ट कर लिया ये ठीक है, जिसकी एंडिंग नहीं है, मतलब यहाँ पे हमें पता नहीं इसके आगे क्या आएगा, उसको बोलते हैं ट्रंकेटेड डेटा। तो उस केस में क्या आएगा, आपके पास मिडिल मिल गया, मैंने यहाँ पे सपोज ये हटा दिया, मिट गया, मुझको पता नहीं ये दो वैल्यू हट गई ठीक है, अभी भी 7 ही रहेगा ना यहाँ पे ठीक है, ये अननोन है, यहाँ पे डाल दिया अननोन है ये, सपोज ऐसा कर दिया मैंने, तो अभी भी 7 ही रहेगा मीडियन। तो इन केस ऑफ ट्रंकेटेड डेटा, मतलब जिसका एंडिंग खत्म हो चुका हो या फिर जो कंटिन्यू डेटा हो सकता है हमें पता नहीं आगे क्या आएगा, तो उस केस में भी मीडियन इज द बेस्ट मेजर्स ठीक है। इसको और बोल सकते हैं ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं, ट्रंकेटेड डेटा और ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर है, इसका मतलब समझ आ गया था। हेलो एवरीवन, तो ये था मीडियन के बारे में प्रॉपर्टीज। कभी इवन नंबर आ जाए, ओड नंबर आ, क्या बोलते हैं उसको, ये सा नंबर आ जाए इसमें आपको फ्रैक्शन में हो मीडियन का पोजीशन ठीक है, तो उसके इसमें ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आप, सिंपल सी बात है ना। एवरेज ऑफ सिक्स एंड फिफ्थ, हमारा क्या आ गया स्कोर 5.5 आया, तो 5.5 का आएगा 1, 2, 3, 4, 5, ये फिफ्थ पोजीशन है, ये सिक्स पोजीशन है, अब दोनों का बीच वाला कैसे आएगा, दोनों का एवरेज निकाल सकते हो या फिर बोल सकते हो फिफ्थ स्कोर प्लस 50% ऑफ सिक्स माइनस फिफ्थ स्कोर, ऐसा करके भी निकाल सकते हो। तो फिफ्थ स्कोर क्या है 9 ठीक है, प्लस 1/2, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 1, 9 प्लस इसमें क्या आ जाएगा 0.5, तो क्या गया 9.5, तो ये रहा मिडिल वैल्यू आपका ठीक है। ये रहे, आप देखो मोड, अब इसका मोड क्या होगा, है ना, इसको हमने अरेंज किया तो मोड क्या आ गया, ब्लू, ब्लू इज द विनर ठीक है, मोड इज इक्वल टू ब्लू, ये हमारा ब्लू। किस केस में इस्तेमाल होता है ये, नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा, मैंने आपको बोला कि बच्चों ये देखो आपकी यूनिफॉर्म का ट्रैक सूट का आ गया है ठीक है, आपको कौन सा कलर चाहिए, उसके लिए वोटिंग होगी क्लास में, कुछ बच्चों ने बोला रेड, कुछ बच्चों ने बोला ब्लैक, कुछ बच्चों ने बोला येलो, तो मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि हमें चाहिए ब्लू कलर का ट्रिक सूट। ये किस टाइप का डेटा है, नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा है राइट, इट इज नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा, तो ये उस केस में इस्तेमाल किया जाता है नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा में ठीक है। ये कुछ ना कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है स्कोर, इसमें हो गया फोर मोड, इस केस में हो गया बाय मॉडल, बाय मॉडल मतलब यहां पे दो मोड है 2B और 3B, दो मोड है यहां पे 2B मोड है 3B मोड है ना। तो ये था मोड के बारे में, आप देखो कभी ऐसा आ सकता है हमारे पास गिवन हो, मीडियन गिवन है, मीडियन है हमारे पास 5 और मीन है हमारे पास 3, इससे मोड निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन, लिख लो 3 मीडियन माइनस 2 मीन,
तो 3 मीडियन क्या है, 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 6, 15 माइनस 12, तो मोड आ जाएगा 3। अब इसका उल्टा भी कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ मोड गिवन हो और मीडियन गिवन हो तो इस फॉर्मूले को आप चेंज कर लो, है ना। आपको निकालना हो मीडियन तो इसको ले गए इधर, ये हो जाएगा प्लस में, मोड प्लस 2 मीन, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मीडियन। तो ये आप करके कैलकुलेट कर सकते हो, ये यहाँ पे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3, ठीक है, तो ऐसे करके मीडियन में निकल जाएगा। तो फॉर्मूला क्या है, ये रहा स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इसके थ्रू दो, इसमें से कुछ भी दो गिवन हो, चाहे मोड और मीडियन गिवन हो या मीडियन और मोड गिवन हो, मीडियन और मीन गिवन हो, तो उसमें से आप थर्ड वाला टर्म निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर है सबको। सर मोड की प्रॉपर्टी नहीं लिखी थी। हाँ बताता हूँ, मोड की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम पहला चीज तो ये, इट इज अ फ्रीक्वेंट, ये क्या है, इट इज अ मोस्ट रिपीटेटिव स्कोर, ठीक है, इट रिप्रेजेंट द मोस्ट रिपीटेटिव स्कोर विल बी द ठीक है, किस केस में यूज होगा, ये यूज इन नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ आउटलायर्स ऑन मोड, ठीक है। और क्या हो सकता है, एनीवन, इट इज अ क्रूड मोड, इज कैटेगरिकल डेटा, यस कैटेगरिकल डेटा, क्रूड मेजर्स, ठीक है, इट इज नॉट अ बेस्ट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेस्ट मेजर्स क्या होगा, एक चीज लिखना उसमें, बेस्ट तो बोल नहीं सकते, इट डिपेंड ऑन द डेटा, बट इट इज अ क्रूड वेव, क्यों, क्योंकि इसमें है ना सबसे नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा इस्तेमाल हो रहा है और उसमें सबसे रिपीटेटिव हो रहा है, हर किसी स्कोर का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, हर किसी स्कोर का इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है, जो बार ज्यादा रिपीट हो रहा है उसमें इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मोड इज अ क्रूड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका कोई ज्यादा प्रैक्टिकल यूज नहीं है, ठीक है। अगर अब मैं तेरे को आपको तीनों को बताता हूँ कंपेरिजन, मीन मीडियन मोड में, मीन मीडियन मोड, ठीक है। देखो मीन का इस्तेमाल करते हैं इंटरवल टाइप ऑफ रेशियो, इंटरवल और रेशियो स्केल में यूज, देखो यूज इनका इंटरवल में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको किस में इस्तेमाल करेंगे, ऑर्डिनल टाइप ऑफ डेटा, इंटरवल और रेशियो। वन मिनट वाटर ब्रेक। इसको का इस्तेमाल करेंगे, यस, नॉमिनल टाइप ऑफ डेटा और स्केल, ठीक है। इट इज अ मोर रिलायबल, ये रिलायबल है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता इसमें, मतलब समझ रहे हो, रिलायबल मतलब हम, क्योंकि इसमें सारा स्कोर का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें क्या होता है, मेन चीज क्या है इसमें, क्या अच्छी चीज है, इसमें होल द स्कोर आर इन्वॉल्व फॉर कैलकुलेटिंग द सेंट्रल टेंडेंसी, गुड रिप्रेजेंटेटिव होता है स्कोर इसका, सेकेंड थिंग इट इज ऑर्डिनल बेस्ड ऑन, अब जब डेटा स्क्यूड रहता है, whenever the data is skewed, skewed पता है आपको, जो नॉर्मल नहीं होता skewed, ऐसा नो सर बताऊंगा, हाँ
skewed, whether it is a positive or negative, है ना? Median is the best choice, or we can say truncated data. In this case, median, अभी ये लिख लो, मैं आपको बताऊंगा. Median is the best choice. ठीक है, इट इज अनस्टेबल मोड. क्या है मोड का? अनस्टेबल है. इट इज वेरी अनस्टेबल टाइप ऑफ. ठीक है, तो ये था स्क्यूनेस का. देखो ये था प्रॉपर्टीज, बेसिक प्रॉपर्टीज. अब देखो स्क्यूनेस क्या होता है, अभी मैं आपको एक शॉर्ट में समझा देता हूं, डिटेल में आपको वीडियो से समझ में आएगा, है ना, जो मैं भेजूंगा ना. आई बिलीव कि उसके आपको वीडियोस देखने के बाद में कुछ क्लियर डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि हमको उसमें डिटेल में पढ़ा हुआ है, एकदम हर चीज का एक्सप्लेनेशन है, आपको डायरेक्टली दिया नहीं गया है. उसमें जो भी मिलेगा ना, उसका हर चीज का एक्सप्लेनेशन मिलेगा मैक्सिमम एज पर योर डिमांड. ठीक है, ये हमारा स्क्यूड, इधर समझाता हूं. देखो क्या हुआ, आपका एग्जाम है, एग्जाम हुआ आपका 0 to 100 marks का. अब आपका पेपर कैसा बना हुआ है, सपोज एवरेज बना हुआ है, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स कितने आए, 50 to 60 के बीच में. ठीक है, तो आपका कैसा आएगा, ये है आपका ग्राफ, ये पॉजिटिव साइड है, ये 100 है आपका स्कोर, ये नेगेटिव साइड है, ये 0 स्कोर है. ठीक है, अब कुछ बच्चों के मार्क्स आ गए 1 number, किसी का आ गया 2 number, ठीक है, किसी के आ गए 3 number, कुछ बच्चों के मार्क्स आ गए 40. ये देखो ये मार्क्स है, बढ़ रहे हैं इधर, है ना. कुछ बच्चों के मार्क्स आ गए, इस छोड़ो ये अभी रहने दो, ऐसा समझो कुछ बच्चों के मार्क्स आ गए 55. ये क्या है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट. ठीक है, सबसे ज्यादा कहाँ है, यहाँ है, देखो यहाँ सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे है ना. अब कुछ कुछ बच्चों के मार्क्स आएंगे 70 के आसपास, इधर कुछ बच्चों के मार्क्स आएंगे 30 के आसपास. ठीक है, ये क्या है, 40, 50, 60, 70, 80, और कुछ बच्चों के 95 क्रॉस करेंगे. तो ये क्या है, आपका क्या दिख रहा है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है. ये क्या है, 20, 30, ये क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, क्लियर है यहां तक, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है. सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट कहां है, देखो यहां है सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब सबसे ज्यादा बच्चों के मार्क्स है 50-60. बहुत ही कम बच्चों के आए, वह 1-2 number, है ना, ये सुरेंद्र, अतुल और ये राजेंद्र के नंबर, ये जैसे बच्चों के आए होंगे 1-2-3-4 number, है ना. ठीक है, और ये आए हैं हाईएस्ट नंबर. तो ये रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. अब देखो क्या हुआ, पेपर बहुत आसान हो गया. पेपर सेट करा किसने, हमारे फेवरेट सर ने, और पेपर को बहुत आसान बना दिया. इसको जरा बंद कर देता हूं. यहां तक क्लियर है ना. अब क्या हुआ, पेपर बहुत आसान हो गया. देखो कंडीशन देखो आप, पेपर बिकम वेरी इजी, 100 मार्क्स, 90, 80, 50, 60, 20, 30, 20, 10, 0. अब क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स आ गए 80 से ऊपर. एक दो के तो 100 मार्क्स भी आ गए. बहुत कम बच्चों के मार्क्स आए 10. ठीक है, मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स आ गए इतने.
एक दो बच्चों के मार्क्स आ गएंगे इतने बीच बीच में, है ना, बाकी मैक्सिमम बच्चों के मार्क्स आए इतने, ज्यादा ज्यादा एकदम हाईएस्ट, पेपर बिकम वेरी इजी। तो यहां पे क्या बन गया है, कैसा बन गया कर्व, स्क्यूड। ये क्या स्क्यूड कर्व है, ये क्या स्क्यूड। अब इसका अपोजिट यहां पे भी आ सकते हैं, अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट हो जाता सबके मार्क्स इधर आ जाते, तो ये वाला कौन सा स्क्यूड है, यस कोई बता सकता है, ये वाला स्क्यूनेस है, इट इज नॉट नॉर्मल, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्यूड, इट इज अ स्क्यूनेस, इट इज नॉट नॉर्मल कर्व। ये क्या है, इसको नॉर्मल नहीं बोलेंगे, ये बेल शेप कर्व नहीं है, नॉर्मल कर्व क्या था, बेल शेप कर्व होता है, बेल शेप घंटी वाला, ठीक है, गॉसियन कर्व, इसको गॉसियन कर्व भी बोलते हैं। आपको ये सब चीज मैंने उस वीडियो में दिखाई है, डोंट वरी, यू जस्ट वॉच इट, उसके बाद आपको कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप मुझसे पूछिए, नोट करके रखिए। क्या कौन बोला इसको नेगेटिव स्क्यूनेस, प्रतिभा, यस वेरी गुड प्रतिभा, पहली बार दिखाई आपने आपकी प्रतिभा। ये क्या है नेगेटिव स्क्यूनेस, ठीक है, तो देखा आपको नेगेटिव स्क्यूनेस क्या होता है, अभी तक हम बात कर रहे थे, तो इस टाइप का अगर रहेगा, अगर ये इसका अपोजिट देखिए तो ये हो गया पॉजिटिव स्किनेस, है ना, ये क्या है पॉजिटिव स्किनेस है। यहां पे बच्चों के ज्यादातर मार्क्स किसे आए, कम कम मार्क्स आए, बहुत डिफिकल्ट बन गया पेपर, ये जैसे एग्जांपल है, पेपर डिफिकल्ट बन रहा है कि एग्जांपल है, मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, यहां पे कुछ भी आ सकता है, स्पोर्ट, आपकी हाइट वेट वगैरह कुछ भी आ सकता है, ठीक है, बहुत कम बच्चों के मार्क्स, एक दो के बच्चों के, एक बच्चों के दो बच्चों के मार्क्स गए तो गए इधर, तो इस दिस केस इट इज अ पॉजिटिव स्किनेस, तो दिस आर द, ये बहुत, दिस बहुत आर स्क्यूट कर्व, तो समझ में आया स्किनेस का मतलब आपको, तो इन दोनों केस में क्या होगा, मीडियन इज द बेस्ट मेजर्स, क्यों मीडियन बेस्ट है, अब देखो ये एवरेज ही रहेगा, ये देखो मीडियन, मीडियन हम ले रहे, देखो ये मीडियन वाला लाइन जा रहा है, अभी अब ये इसकी किधर की साइड जाता है डेटा, इधर की साइड फ्लो जाए, इधर की साइड फ्लो हो जाए, एवरेज ये क्या रही रहेगा 55, यहाँ पे 55 किसी का स्कोर है, यहाँ पे भी 55, यहाँ पे भी 55, ये तो मीन के थ्रू हो गया, मीन के थ्रू निकल गया हमारा, तो इसलिए मीडियन, देखो यहाँ पे मीडियन इज द बेस्ट मेजर्स, क्लियर है सबको, यस स्क्यूनेस क्लियर है, स्क्यूनेस इसको क्या बोलते हैं, स्क्यूनेस बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्क्यूनेस, ये प्रॉपर्टीज को, है ना, तो देखो आपको ये इसमें मैंने ये पढ़ाया हुआ है, स्क्यूनेस में हम क्या क्या पढ़ेंगे, है ना, ये रहा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ठीक है, दिस कंटेंट यू विल, यू कैन फाइंड, इससे कुछ कुछ थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी आता है इसमें, इसमें कटोसिस मिलेगा आपको, है ना, ये स्क्यूनेस है, ये पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ये नेगेटिव स्क्यूनेस है। अब देखो पॉजिटिव स्क्यूनेस में क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, मीन होगा या मोड होगा,